मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम Avengers Endgame कब किया गया था फिल्म को अनाउंस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 1993 में आई फिल्म खलनायक ने सबका मन मोह लिया था। आज भी फिल्म के कैरेक्टर्स हमारे चेहरे के सामने आ जाते हैं जब भी हम ये खलनायक नाम सुनते हैं। ये फिल्म बेस्ड थी एक्शन पर, और जब हम एक्शन की बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की कौन सी एक्शन फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर नहीं तो आइए जानते हैं। 2019 में आई फिल्म एवेंजर्स एंडगेम एक अमेरिकन फिल्म थी जो बेस्ड थी मार्वल कॉमिक्स पर, जिसे लिखा था स्टैनली और जैक किर्बी ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 अप्रैल 2022 को। इस फिल्म का बजट था 356 से 400 बिलियन, वहीं इस फिल्म ने 2.798 बिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म की अनाउंस अक्टूबर 2014 में ही हो गई थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवेंस, मार्क रूफलो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन, जेरेमी रेनर, डॉन शीडल, पॉल रुड, ब्री लैरसन, कैरन गिलन, डनाई गुरीरा, बेनेडिक्ट वोंग, जॉन फेवेरू, ब्रैडली कूपर, ग्विनेथ पेल्ट्रो और जॉश ब्रॉलिन ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से सभी का मन मोह लिया था। ऐसे में जब हम बॉलीवुड की एक्शन फिल्म्स के बारे में बात करते हैं तो फिल्म खलनायक का जिक्र होना तो स्वाभाविक है। इस फिल्म में हमें एंटीगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट का एक अलग मीनिंग समझाया था। जहाँ इस फिल्म के आने से पहले कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स एंटागनिस्ट और कुछ स्पेसिफिक एक्टर्स प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करते थे, वहीं इस फिल्म ने हमें ये समझाया था कि कोई भी एक्टर एंटागनिस्ट या प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले कर सकता है अगर उसके पास उस रोल को करने की क्षमता हो तो। और इसे सिद्ध किया था सुभाष घई ने, और सिर्फ इस फिल्म से ही नहीं बल्कि उनकी सभी फिल्मों से उन्होंने हमें और पूरे बॉलीवुड को भी यही मैसेज दिया था कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो कुछ भी कर सकता है। और एक बार फिर अपनी ऐसी सोच के साथ फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं सुभाष घई। जैसा कि फिल्म के मेकर्स ने बताया था कि फिल्म की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि एक बार फिर से 1993 में दौर में बनी हुई फिल्म की सेटअप बिल्कुल उसी तरह से दोबारा फिल्माई जाएगी। बस फर्क इतना होगा कि इस बार फिल्म में फिल्म मेकर्स आज के युग के कई इन्वेंशंस का भी इंतजाम करेंगे। ये एक मात्र ऐसी फिल्म होगी जो 1993 को 2022 से कनेक्ट करेगी और ऑडियंस को उस युग का भी माहौल देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें उनकी दूसरी अपकमिंग फिल्म की तो द गुड महाराजा, आदि पुरुष और नो मींस नो उनके हाथों में है। अब देखना ये है कि वो अपने फिल्म्स के दम पर बॉलीवुड के डूबते करियर को बचा पाते हैं या नहीं। हाल ही में आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा सम्राट पृथ्वीराज एक विलन रिटर्न्स बहुत बड़ी फ्लॉप रही, लेकिन वहीं उनकी साउथ की फिल्म KGF 2 ने कमाल कर दिया। और देखना ये है कि उनके बाकी की फिल्में क्या करती हैं। आपको क्या लगता है, क्या संजय की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएंगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।